स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मन में ये कन्फ्यूजन जरूर उत्पन्न हो रही होगी कि मेरा तो स्टेटस शो नहीं हो रहा है, ना ही मेरा करेक्शन हुआ है, या फिर करेक्शन भी हुआ है तो स्टेटस शो नहीं कर रहा है, तो कैसे हमारी स्कॉलरशिप आएगी। आपको ये न्यूज़ मैंने पहले भी दे दी थी कि 2-3 दिन के अंदर आपकी यूपी स्कॉलरशिप जो है वो आने वाली है, और काफ़ी सारे स्टूडेंट के कमेंट आ रहे हैं कि क्या सर मेरी स्कॉलरशिप आई है। काफ़ी सारे स्टूडेंट ये कमेंट कर रहे हैं कि मेरी स्कॉलरशिप आधी आई है, वो आएगी फिर या फिर नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 दिन में छात्रों के खाते में छात्रवृत्ति भेजने को यूपी के मुख्य सचिव का निर्देश। अभी हम नीचे की ओर चलेंगे, यहाँ पे अपडेट पढ़ेंगे। अपडेट को सही से समझ लीजिए कि किन बच्चों की स्कॉलरशिप इस चरण में जो आपका लगभग कहीं 2-3 दिन में आने वाली है, तो मतलब किन बच्चों की आएगी। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मतलब कमेंट आ रहे हैं यहाँ पे, हमारे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी आ रहे हैं कि सर हमारी आएगी स्कॉलरशिप या फिर नहीं। और काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनकी आधी स्कॉलरशिप फर्स्ट शिफ्ट में आ गई, मतलब पहले आ चुकी है, उनके भी कमेंट्स आ रहे हैं। यहाँ पर अगर आप नीचे की ओर आएंगे, यहाँ पर देखेंगे तो देखिए मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने 3 दिन के अंदर छात्रवृत्ति की धनराशि छात्रों के खाते में हर हाल में भेज देने के निर्देश दिए हैं। देखिए मुख्य सचिव यहाँ पे मुख्य सचिव कहाँ के मुख्य सचिव हैं, अपने प्रदेश के मुख्य सचिव हैं, ठीक है। प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर जी द्वारा कहा गया है कि छात्रों की धनराशि जो आपकी छात्रवृत्ति की धनराशि होती है वो 3 दिन के अंदर किसी भी हाल में भेज देने के निर्देश दिए गए हैं। यहाँ पर आप अगर डेट देखें, देखिए 1 जनवरी को आया हुआ अपडेट है और आज है अभी आपका 2 जनवरी, मतलब अगर 3 दिन के अंदर कहें तो समझिए कि 4-5 जनवरी आप ऐसे मान लीजिए। अब देखिए यहाँ पे नीचे है वही राज्यों में अवैध शराब पे रोक लगाने के लिए, इनसे हमें अभी मतलब नहीं, हमें यहाँ पे अपडेट आपको देनी थी, तो इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। इससे पहले मैं बता दूँ, जो मुख्य सचिव श्री सचिव हैं आपके दुर्गा शंकर मिश्रा जी, इससे पहले जो आपके प्रदेश के सचिव थे वो आर के तिवारी जी थे। तो ये एक समझिए एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन हो गया, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब समझ लीजिए कि किन बच्चों की स्कॉलरशिप इस शिफ्ट में आएगी। पहली बात कि जो भी आपका अभी 10 जनवरी तक आपका रजिस्ट्रेशन होना है तो इनकी तो आएगी नहीं, आपको ये तो सबको मालूम होगा कि हाँ जो अभी रजिस्ट्रेशन हो रहा है उनका अभी फॉर्म वगैरह भरेंगे। काफ़ी सारे बच्चे भर दिए हैं, लगभग 10 तक डेट है, काफ़ी सारे बच्चों का कॉलेज में जमा भी हो गया है, फाइल प्रिंट आउट भी निकल गया है, तो उनकी तो नहीं आएगी पहले। दूसरी बात, जिनकी भी स्कॉलरशिप है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था और काफ़ी सारे स्टूडेंट के फिर भी कमेंट आते हैं, पता नहीं क्या देखते हैं बच्चे, सही से शायद स्किप करके आगे वगैरह चले जाते हैं और इन्फॉर्मेशन छूट जाती है। जिनकी भी स्कॉलरशिप में, मैंने बताया भी था कि जिनकी भी स्कॉलरशिप जिस मान लीजिए आपने फॉर्म स्कॉलरशिप का अप्लाई किया है उसमें अगर आपका आय जात निवास में कोई छोटी सी त्रुटि है, जैसे आय जात निवास का क्रमांक गलत हो गया या फिर आपने पुराना वाला लगा दिया, जैसे आपका एक्सपायर हो गया आपने पुराना वाला लगा दिया है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम ज़्यादा आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। समझ लीजिए आप, अगर आपके आय जात निवास में कोई दिक्कत है तो आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसके बावजूद अगर आप में कोई बड़ी त्रुटि है, जैसे आपका बैंक अकाउंट गलत हो गया, ठीक है, वगैरह आदि चीज़ें गलत हो गई, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत होगी, तब आपकी स्कॉलरशिप नहीं जा पाएगी। अगर आपकी जो आपके फॉर्म में सारी चीज़ें सही हैं, केवल आय जात निवास में थोड़ी सी दिक्कत है, तो आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी। बहरहाल अगर आपकी स्कॉलरशिप मान लीजिए कि नहीं आ रही है, 2-3 दिन में जो स्कॉलरशिप आने वाली है वो नहीं आ रही है, तो आपको क्या करना है, अभी जो अपडेट आ रही थी मैंने बताया भी था कि आपको क्या करना है, आपको कॉलेज में जाना है, कॉलेज के टीचर से बात करनी है। कई जगह ऐसे हो रहा है कि आपका पोर्टल खुल नहीं रहा है, लेकिन आपका क्या हो रहा है, आपको जैसे मान लीजिए आय जात निवास या फिर कुछ डाटा सही कराना है, उसकी आप अगर हार्ड कॉपी फोटो कॉपी कॉलेज में दे देंगे तो सारी चीज़ें वहाँ पे व्यवस्थित कर दी जा रही है, कॉलेज से ही डाटा फॉरवर्ड कर दिया जा रहा है, पोर्टल खुले या फिर ना खुले उससे मतलब नहीं है। तो इस बात पे भी आप विशेष ध्यान रखेंगे, कॉलेज से जरूर एक बार संपर्क कर देंगे, ठीक है। रही बात पोर्टल खुलने की, कि स्टेटस की आपकी, कि पोर्टल नहीं खुल रहा, स्टेटस शो नहीं कर रहा, अंदर की चीज़ें शो नहीं कर रहा, आपने हर बार देखते होंगे आपका जैसे कॉलेज से फॉरवर्ड हो गया, डिस्ट्रिक्ट से फॉरवर्ड हो गया, सारी चीज़ें वहाँ पे दिखाता था, स्टेटस शो होता था, लेकिन अगर आप पेज केवल खोलेंगे तो आपका पेज ऊपर का ओपन हो रहा है, अंदर की कोई चीज़ें ओपन नहीं हो रही है। तो देखिए इस बार स्टेटस से कोई मतलब नहीं है। मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनकी फर्स्ट शिफ्ट में स्कॉलरशिप आई है उनसे मैंने बात किया, उनका मैंने देखा तो उनका आ गया है फिर भी उनका स्टेटस शो नहीं हो रहा है, तो समझिए आपका तो अभी पेंडिंग में, आपका आया नहीं है तो आपका कैसे शो होगा। काफ़ी सर्वर साइट बिजी चल रही है और कोविड के नए वेरिएशन के कारण हर जगह वर्क भी नहीं हो पा रहा है, ऐसे काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, वर्क करने वाले वर्कर्स हैं नहीं, मतलब काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही हैं, ऐसा आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। तो इसी के चलते स्टेटस जो ऑनलाइन चीज़ें हैं थोड़ी सी उसमें मतलब कहिए कि इस तरह की से सही से सारी चीज़ें व्यवस्थित नहीं हो पा रही हैं, तो इसके चलते आपको स्टेटस से कोई मतलब नहीं है। आपकी स्कॉलरशिप 100% आएगी अगर आपका जो मान लीजिए कि आपकी सारी चीज़ें अगर आय जात निवास को छोड़कर अगर आपकी अदरवाइज सारी चीज़ें सही है तो आपकी स्कॉलरशिप 100% आएगी। कब तक आएगी, एग्जैक्ट डेट मान के चलिए आप मान लीजिए 5 जनवरी कहा तो गया है कि 2-3 दिन, मतलब हो सकता है थोड़ा सा डिले भी हो जाए, 10 जनवरी 15 जनवरी मान सकते हैं, लेकिन ऐसे मान लीजिए कि 5 जनवरी तक आपकी स्कॉलरशिप आएगी। जिन बच्चों की नहीं आएगी तो ये नहीं समझेंगे कि हाँ मेरी आज नहीं आई तो नहीं आएगी, और इसके बाद से स्कॉलरशिप आपका लगभग 26 जनवरी के आसपास तक स्कॉलरशिप 26 जनवरी तो नहीं लेकिन 15 जनवरी तक आपकी स्कॉलरशिप लगातार आती रहेगी, ठीक है। उधर इलेक्शन है, आचार संहिता भी लगने वाला है, इसी के चलते सोच रहे हैं कि मतलब पहले ही सारा फंड जो भी पैसा स्कॉलरशिप का पहले ही बच्चों में भेज दिया जाए। उसके बाद से जिनकी बचेगी थर्ड शिफ्ट के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं उनकी कब आएगी, उनकी मार्च
में आएगी, ये डेट पहले ही आपको मालूम चल गया है कि उनकी मार्च में आएगी, ठीक है। तो देखिए आपका अगर नॉर्मल सा डाटा इनकरेक्ट है, मतलब बेसिक चीज़ें इनकरेक्ट है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, एक बार आप कॉलेज से जरूर संपर्क करेंगे। और रही बात स्कॉलरशिप की, तो स्कॉलरशिप आपकी 2 से 3 दिन में आपके खाते में आ जाएगी। रही बात चेक करने की प्रोसेस की, तो मैं आपको एक पार्टिकुलर वीडियो में उसको भी बता दूंगा कि कैसे आप चेक करेंगे अगर आपके मोबाइल पे मैसेज नहीं आया तो, ठीक है। अगर इसके बावजूद भी अगर आपके मन में कोई क्वेरी, कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन उत्पन्न हो रही हो, तो आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन रहेंगे, अगर यहां से आप बेल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं प्रेस करना चाहते तो कोई बात नहीं, आप हमारे टेलीग्राम पर चले जाइए, वहां से आपको सारी अपडेट्स हमेशा मिलती रहेंगी, ठीक है। तो वहां से आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, यहां पर जाएंगे डायरेक्ट आप टेलीग्राम में जाएंगे, वहां पर सर्च करेंगे फैक्ट टेक्स जो यूट्यूब चैनल का नाम है, तो आपका वहां पर आ जाएगा, वहां पर आप ज्वाइन करके आसानी से सारी इन्फॉर्मेशन को, यूपी से रिलेटेड एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन यहां से हमेशा आपको मालूम होगा कि जो भी इन्फॉर्मेशन दी जाती है ऑफिशियली, जो भी आपको मतलब समझिए एक प्रकार का ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाता है कि कोई बच्चों को कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े, सारी चीज़ें आप आसानी से कर लें, ठीक है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।